जिस प्रकार से नया साल नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे ही सर्दी ने अपनी भरी दस्तक दे दी है। और इस भरी ठंड में न्यूज 27 की टीम उतरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। टीम ने अपनी शुरुआत की उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत से, और ये इलाका गंगा और यमुना के बीच आता है, जहां पर कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। और आज घना कोहरा होने के कारण जनपद में ठंड बढ़ गई है, और साथ ही शीतलहर हवाएं भी चल रही हैं, जिसमें लोगों को घर से निकलने में मुश्किल हो रही है। इस टाइम ठंड कितनी पड़ी है, इस चीज का अंदाज आप लगा सकते हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और रोड पे वाहनों की स्पीड कम हो चुकी है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बागपत डीएम के सख्त आदेश हैं कि कोई भी कॉलेज नहीं खुलेगा, ठंड इतनी ज्यादा है। और आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पे वाहनों की स्पीड कितनी कम हो चुकी है। बढ़ते कोहरे को लेकर वाहनों की स्पीड पर भी ब्रेक लग चुका है, और इसी चीज को लेकर आज हम बात करेंगे यहाँ पे कितनी ठंड है यहाँ पे मौजूद जनता से। कहते हैं कि ठंड का प्रकोप इस टाइम कितना पड़ रहा है, क्या नाम है सर आपका? सर जी मेरा नाम है अमित कुमार। अमित कुमार जी, इस ठंड में क्या कहना चाहेंगे आप? बाइक पे बच्चे को लेकर घूम रहे हैं, ठंड नहीं लग रही क्या? बस जी ठंड तो लग रही है जी, पर बच्चे तो नहीं मान रहे जी। तो कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? यही से, घर पे से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? बस जी बच्चों को फल दिलाने। अच्छा, बच्चों को फल दिलाने जा रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नहीं बोलेगा सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ से, बड़ोस से। अच्छा, बड़ोस से आ रहे हैं। अच्छा मैं बात करूं, कितनी स्पीड बाइक चलाते हैं आप? मैं भी 50 की स्पीड से। 50? और अभी ठंड में कितनी चला? 30 की। 30 की, हाँ जी। अच्छा कितनी ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत पड़ रही है, अनुमान नहीं लगा सकते इसका जी, ज्यादा ठंड है। यानी कि इनका कहना है कि ठंड का प्रकोप इस टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वाहनों की स्पीड भी इस टाइम कम हो चुकी है। आइए हम बात कर लेते हैं, अभी यहाँ पे जो गाड़ी वाले आ रहे हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो अभी कार से आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद है जी। कहाँ से आ रहे हैं? हर्रे से। कहाँ से? हर्रा है हमारा। हर्रा से। अच्छा ठंड की बात करें तो इस टाइम गाड़ी पर कितनी स्पीड कम धीमी हो चुकी है? सर्दी ज्यादा हो रही है तो वाहनों की स्पीड इस टाइम कम है। हाँ, कम है। तो क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में कि लोग इतनी तेजी पे, मैंने देखे अभी कुछ लोग वाहन भी तेज चला रहे हैं। नहीं, ये हम अब सोनीपत से आ रहे हैं और तड़के के बहुत सवेरे के चले गए हैं, 8 बजे के अब लोग आगे पहुँचे आराम आराम से। कितनी स्पीड में बाइक गाड़ी लाए अभी? 60 की बस। 60 यानी कि कोहरा ज्यादा है रास्ते में। ठीक है सर, चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर जो इस टाइम लोग आग के सामने बैठे हैं उनको कितनी ठंड महसूस हुई है। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक धामा है जी। विवेक धामा जी, बात करें ठंड को लेकर, कितनी देर से आप आग के सामने और कितनी ठंड महसूस कर रहे हैं? आग के सामने तो जी सवेरे 8 बजे आके दुकान खोल ली थी और जब से आग के सामने बैठे। क्या कहना चाहेंगे और ठंड के बारे में? ठंड के बारे में क्या कहें, अपनी लकड़ी लावे अपनी जड़ावे, सरकार कुछ मदद भी नहीं कर रही। सही बात है। अपने घर से ला रहे फाड़ रहे भाई, अपनी जला रहे हैं तो प्रधान भी कुछ नहीं भेज पा रहा। क्या नाम है आपका? नाम अनिल है जी। अनिल कुमार जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बैग मैं तो बैग से लेकर ड्यूटी पे जा रहा जी। ड्यूटी पे जा रहे? हाँ जी। ठंड कितनी महसूस कर रहे? ठंड तो बहुत महसूस कर रहे जी। क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में? भाई यही कहना चाहूंगा, दुश्वार हो रहे ठंड में तो हाल बेहाल है। अच्छा डीएम साहब ने आदेश किए हुए हैं कि जो कॉलेज हैं उनकी छुट्टी कर दी गई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कॉलेज वगैरह सब बंद हैं या खुले हैं? हाँ, नहीं बंद हैं जी, सब बंद है। हाँ। भैया ठंड तो इतनी ज्यादा है कि बस घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। अच्छा बात कर ली जाए ठंड की, यानी कि धूप जो निकले कितने दिन हो गए ना निकले? भैया 5-6 दिन हो गए जो धूप निकले वो। 5-6 दिन हो गए? हाँ जी। यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पर ठंड का प्रकोप काफ़ी है। और चलिए हम और कुछ बात भी करेंगे और जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं। 2 घंटे हो गए ठंड के उसके आगे बैठे हुए, आग के पैर भी टूटर रहे, हाथ भी सभी टूटर रहा मामला, तो इसीलिए आग के नज़दीक बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में आप? देखो ठंड तो किसी के बस की बात नहीं है, जो है तो ये तो सब आसमान से है, मौसम से है, मौसम बदला हुआ है तो ठंड तो होगी। बात करी जाए ठंड की तो ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही जी। काफी हो रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा हो रही है। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही लग रही है, आप चद्दर भी और लपेटे बैठे हैं, आग के सामने बैठे हैं। तो ठंड जब ठंड हो रही थी जब तो लपेट रही चद्दर। तो क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में? ठंड तो काफी हो रही जी, 2 घंटे से जला रखी आग। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कोठी से आ रही हूँ सालों से। अच्छा बात करें वहाँ से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? ठंड ज्यादा पड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ठंड बहुत पड़ी है, काफी ठंड। हाँ जी। अच्छा बात करी जाए, वैसे तो आप मिनिमम गाड़ी की स्पीड कितनी चलाते हैं गर्मियों में?
70-80 चलाते हैं। और अब की बात करें, अब कितनी चल रही है? अब 30-40 30-40 चल रही है। तो यानी कि आपका कहना है ठंड ज्यादा। चलिए, बाइक वालों से भी काफी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ठंड को लेकर ई रिक्शा वालों से। इसमें काफी लोग बैठे हुए हैं और हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देशराज। देशराज जी, कितनी देर से आप इस रोड पे आना जाना कर रहे हैं? काफी टाइम हो गया, लेकिन आज ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में? बट ठंड से जितना बचा जाए उतना ही ठीक है सर जी। क्या नाम है आपका? कंवरपाल। कंवरपाल जी, ई रिक्शा में आप इन्हीं के साथ ही बैठ के आए? बैठ गया जी। कहाँ से आ रहे हैं? गलहता। गलहता से आप तो आगे बैठे हैं, तो ठंड कितनी लग रही? लगेगी जी, ठंड चलेगी, पीछे बैठने भी ठंड लगेगी। ठंड का टाइम है सर। चलिए, अब पीछे बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ठंड कितनी लग रही है। वो तो आगे बैठ गए, फ्रंट पर इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज है। धीरज जी, कहाँ जा रहे हैं? हम बड़ौद जा रहे हैं घूमन को। घूमने जा रहे हैं ठंड में? हाँ। अरे सर जी, ठंड का आनंद ले रहे हैं और बचना चाहिए और आनंद भी लेना चाहिए ठंड में। हम तो यही कहूँ, ठंड से भी स्वास्थ्य ठीक होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद है जी। क्या कहना चाहेंगे रिक्शा में? हिल रहे, काम नहीं करते सर, बहुत बुरा हाल है। सर्दी, इतनी सर्दी तो पहली बार देखी हमने। आइए, चलिए हम बात कर लेते हैं अब इस ठंड को लेकर। यहाँ पे एक बाइक वाला भी आया हुआ है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर बादल। कहाँ से आ रहे हैं? हजूराबाद गढ़ी से। हजूराबाद गढ़ी से आ रहे हैं। कितनी ठंड महसूस कर रहे हैं बाइक पर? बहुत हो रही ठंड तो जी। बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी आप बाइक पे जा रहे हैं? हाँ जी, मजबूरी है, काम करना। ठीक है, यानी कि इन सब का यही कहना है, इस टाइम यहाँ जनपद में बहुत ज़्यादा ठंड है। और हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि ठंड से जितना हो सके उतना बचे, स्वेटर जर्सी पहनकर ही बाहर निकले।